हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। अलग अलग फाइल हम लोग बाकायदा देख रहे हैं। हमारा चैप्टर आगे बढ़ रहा है, स्टडी भी चल रही होगी, आप लोगों की पॉइंट भी नोट करते रहना है। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आगे का फाइलम देख रहे हैं। नेक्स्ट फाइलम दैट इज़ कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा दो लफ्ज से मिलकर बना है, आर्थ्रोस और पोडॉस, जिसका मतलब होता है जॉइंटेड लेग्स। यहाँ पर जितने भी एनिमल रहेंगे वो तमाम के तमाम जो एनिमल हैं उनके पैरों के अंदर जोड़ होते हैं, जॉइंटेड लेग्स होते हैं। तो इसीलिए जोड़दार पैर वाले ये होते हैं, जॉइंटेड लेग्ड एनिमल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दैट दीज आर कॉल्ड एज आर्थ्रोपोडा। इनके पैर जो होते हैं इस तरीके से अलग अलग पार्ट होते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये इस तरीके से कई जोड़ यहाँ पर इनके अंदर, इनके पैरों के अंदर पाए जाते हैं, तो इनको आर्थ्रोपोडा कहते हैं। यहाँ पर आर्थ्रोपोडा भी तो हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या है। सिर्फ एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, दुनिया में जितने भी इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े जितने भी होते हैं, वो सब के सब जो है यहाँ पर इसी फाइलम के अंदर रखा गया है, इसी के अंदर उसको जो है शामिल किया गया है। दुनिया में जितने भी स्पाइडर्स हैं, मकड़ियाँ जो होती हैं, जितने भी टाइप के मकड़ियाँ हैं, उनके भी पैर जोड़दार इसी तरीके से होते हैं, वो भी इसी के अंदर उसको जो है शामिल किया गया है। इसी तरीके से ऑल द टाइप्स ऑफ एंट्स, जितनी भी चींटियाँ हैं, उनको इसी के अंदर यहाँ पर जो रखा जाता है। तो गरस के आर्थ्रोपोडा जो है इसको जो है लार्जेस्ट फाइलम का नाम दिया जाता है। ये लार्जेस्ट फाइलम है, यानी बहुत ढेर सारी एग्जांपल इसी के अंदर है। ऑल द टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स, ऑल द टाइप्स ऑफ स्पाइडर, ऑल द टाइप्स ऑफ फ्लाइज, मक्खियाँ भी तमाम, ऑल द टाइप्स ऑफ एंट्स, तमाम के तमाम चींटियाँ भी, तो बहुत ढेर सारी एग्जांपल यहाँ पर पाई जाती हैं। तो ये भी आपको याद रखना है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा दैट इज कॉल्ड एज लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के अंदर इसको जो लार्जेस्ट फाइलम जो यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। तो ये हमारा हो जाता है जिसके अंदर जॉइंटेड लेग्स यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इस फाइलम के अंदर जो एनिमल्स हैं उनके अंदर हमें देखना है व्हाट टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आर प्रेजेंट। तमाम के तमाम कीड़े मकोड़े हैं, मक्खियाँ हैं, चींटियाँ हैं, मकड़ियाँ हैं, तमाम का शुमार इसी के अंदर यहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो इनके अंदर पाई जाती है, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड एज ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट का मतलब, प्रेजेंट का मतलब है हाजिर रहना, मौजूद होना। ओमनी का मतलब होता है एवरीवेयर, यानी दुनिया में हर इलाके में, हर कंट्री में, हर जगह पर ये एनिमल, कुछ न कुछ एनिमल यहाँ पर रहेंगे। दे आर फाउंड एवरीवेयर। कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारे यहाँ चींटियाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ मक्खियाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ स्पाइडर नहीं है, ये तमाम चीज़ें नहीं हैं। दुनिया में हर जगह ये तमाम के तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। तो दे आर फाउंड एवरीवेयर, तो उसके लिए एक सिंगल टर्मिनोलॉजी बायोलॉजी के अंदर यूज़ होती है, दीज आर ओमनी प्रेजेंट। ओमनी प्रेजेंट उसको कहा जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी यहाँ पर जो मौजूद होती है, इसके अंदर एनिमल्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, दे मे बी सॉलिटरी, दे मे बी कॉलोनियल। कॉलोनियल बना है कॉलोनी से। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम देखते हैं इंसान का जो रिहाइश का इलाका होता है, तो कहीं पर कुछ एरिया में जो है कॉलोनी बनती है। तो कॉलोनी यहाँ पर जो बंदे हैं वहाँ सिंगल घर नहीं रहता है, बल्कि बहुत ढेर सारे घर जो है वहाँ पर इकट्ठा होते हैं, उसको कॉलोनी कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है इसके अंदर जो एनिमल मौजूद होते हैं, दे लिव इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। अगर वो एनिमल यहाँ पर ग्रुप की शक्ल में है, तो ऐसे एनिमल को यहाँ पर कॉलोनियल कहा जाएगा। जैसे हम देखते हैं मच्छर, मॉस्किटो वगैरह जो होते हैं, ग्रुप की शक्ल में भी यहाँ पर पाए जाते हैं। शाम के वक्त में देखो कितना यहाँ पर जो है एक ही वैरायटी होती है, यहाँ पर सब ग्रुप की शक्ल में होते हैं, तो उनको कॉलोनियल कहा जाएगा। और सॉलिटरी का मतलब होता है सिंगल, यानी ग्रुप की शक्ल में भी रह सकते हैं और सिंगल सिंगल घरों के अंदर जो मच्छर आते हैं, एकदम मच्छर रहेंगे, परेशान करते रहते हैं, तो अगर वो सिंगल ही प्रेजेंट हैं, सिंगल हैं, तो उनको सॉलिटरी कहा जाएगा। इफ दैट आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, दोज आर कॉल्ड एज कॉलोनियल फॉर्म, उसको जो यहाँ पर हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो यहाँ पर फ्री लिविंग रहेंगे, आज़ाद यानी फ्री यहाँ पर रहेंगे, किसी से कोई लेना देना नहीं है, अपना खुद रहेंगे, अपना खुद जो यहाँ पर जो है खाने पीने का बंदोबस्त यहाँ पर कर दें, कोई नुकसान पहुँचाने वाले नहीं हैं, किसी के ऊपर वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं, खासतौर से दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर थिंग्स, एनी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो डिपेंड नहीं है, इसीलिए उनको जो यहाँ पर फ्री लिविंग कहा जाएगा। और बहुत सारी एग्जाम्पल इनके अंदर बच्चों यहाँ पर है जिनको कहा जाता है पैरासाइटिक।
पैरासाइटिक का मतलब होता है, इसके पहले भी टर्म आ चुकी है, हार्मफुल, नुकसान पहुंचाने वाले हम उसको कह सकते हैं। जैसे मच्छर अगर काटेगा तो यहाँ पर उसकी वजह से जो है यहाँ पर मलेरिया की बीमारी पाई जाती है। इसी तरीके खाने पीने की चीज़ों पर मक्खियाँ आकर बैठती हैं, वो चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बीमारी के जरासीम बैक्टीरिया वगैरह यहाँ पर जो है ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ पर कुछ वराइटी हैं जो हार्मफुल टू द ह्यूमन बींग है, हमारे लिए नुकसानदेह होती हैं। तो ऐसी तमाम के तमाम वराइटीज़ जो होते हैं उनको कहा जाएगा दोज आर कॉल्ड एज पैरासाइटिक इन देयर नेचर। इसी तरीके से बहुत सारी वैरायटी ऐसे हैं जिनका समाज सैंगिवोरस के अंदर होता है। सैंगिवोरस का मतलब होता है ब्लड सकिंग एनिमल, खून चूसने वाले यहाँ पर होते हैं। और ख़ास तौर से हम देखते हैं मॉस्किटो और बिड बग, बिड बग का मतलब होता है खटमल होता है, सैंगिवोरस के अंदर उसका शुमार होता है। मॉस्किटो मच्छर वो भी खून चूसने वाले हैं, आर्थ्रोपोडा के अंदर इनका शुमार होता है, सैंगिवोरस होते हैं, यानी दीज आर ब्लड सकिंग एनिमल, यानी यहाँ पर दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये अटैक करते हैं, हमला करते हैं, और उनके बॉडी के अंदर जो ब्लड है जो सर्कुलेटेड फॉर्म में है उस ब्लड को ये जो अपने फूड मटेरियल के तौर पर जो है यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो ब्लड सकिंग एनिमल जो होते हैं, याद रखना है बच्चों, उसको सैंगिवोरस के नाम से पहचाना जाता है। रिमेंबर दिस टर्मिनोलॉजी। उसके बाद ये तो बहुत सारे फाइलम के अंदर देखा गया है, बायलेटरल सिमेट्री है। अगर ये एनिमल यहाँ पर रहेंगे इस तरीके से यहाँ पर हैं, तो हम बीच में से कट करके टू वी कैन गेट टू इक्वल पार्ट्स, एक सिंगल एंगल से यहाँ पर हम कट करते हुए वी कैन गेट टू इक्वल पार्ट्स, दो बराबर बराबर हिस्से यहाँ पर हासिल हो सकते हैं, इसीलिए इनको जो है बायलेटरल सिमेट्रिकल कहा जाएगा। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ए ट्रिप्लोब्लास्टिक इन देयर नेचर। ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर है, यानी यहाँ पर दे आर प्रोड्यूस फ्रॉम थ्री लेयर, एक एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, तीन लेयर के जरिए इनका फॉर्मेशन यहाँ पर होता है। इनके इम्ब्रियो के अंदर थ्री लेयर पाई जाती हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर होता है। अब यहाँ पर अहम पॉइंट यहाँ पर जो रहेगा, एक्सोस्केलेटन काइटेनस नेचर में होता है। हम देखते हैं किसी भी एनिमल के ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग पाई जाती है, जैसे हमारे बॉडी के ऊपर ये हमारी स्किन है, उसके अंदर हमारे बाल हैं, नाखून वगैरह जो होते हैं ये टफ मटेरियल होते हैं जो बॉडी का प्रोटेक्शन करते हैं। तो ये नाखून वगैरह जो होते हैं इनको एक्सोस्केलेटन कहा जाएगा, स्केलेटन हार्ड और टफ मटेरियल। अगर ये जिस्म के अंदर हैं तो उनको एंडोस्केलेटन कहेंगे, और बॉडी के बाहर है तो उसको एक्सोस्केलेटन कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी ये जो एनिमल है यहाँ पर बॉडी के बाहर एक्सोस्केलेटन है और वो काइटिनस नेचर में बनी हुई होती है। आप कॉकरोच का तस्वीर करो, कॉकरोच भी इसी ग्रुप के अंदर यहाँ पर शामिल होता है। कॉकरोच का बॉडी आप देखोगे तो इस तरीके से ये जो बॉडी कॉकरोच का यहाँ पर होता है बिल्कुल चमकदार होता है, चमकदार होता है, और यहाँ पर जब उसको हम टच करते हैं तो उसके जो जिल्द होती है बिल्कुल हार्ड और टफ होती है। और ये जो हार्ड और टफ कवरिंग यहाँ पर जो पाई जाती है उसको कहा जाता है काइटिन। और काइटिन क्या है? काइटिन इज़ अ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट के टाइप है, इनसोल्युबल इन वाटर है, पानी के अंदर ये डिजोल्व नहीं हो सकते हैं। इस तरीके से ये हार्ड और टफ कवरिंग जो होती है ये बॉडी को जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं, और बॉडी के बाहर है तो उसको एक्सोस्केलेटन कहेंगे, वो काइटिन के बनी हुई होती है इसीलिए उसको काइटिनस एक्सोस्केलेटन कहा जाएगा। हमारे बॉडी के अंदर भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है जिसको हम कहते हैं बोन, हड्डियां हैं, तो हड्डियों को हम एंडोस्केलेटन कहेंगे। हमारे नाखून वगैरह हमारी उंगलियों की हिफाजत करते हैं तो उसको जो एक्सोस्केलेटन कहा जाएगा। परिंदों के जो पर होते हैं, पूरा जिस्म जो है परों से ढका हुआ होता है, वो एक्सोस्केलेटन का पार्ट होता है। तो ये इंसेक्ट हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इनके अंदर यहाँ पर बॉडी के बाहर इनकी जो जिल्द होती है बहुत ही ज़्यादा हार्ड और टफ होती है, तो ये काइटिन की बनी हुई है, दैट इज़ मेड बाय काइटिन, इसीलिए उसको कहा जाता है काइटिनस एक्सोस्केलेटन या एक्सोस्केलेटन दैट इज़ मेड बाय काइटिन उसको कहा जाएगा। जितने भी एनिमल इस ग्रुप के अंदर शामिल हैं इनका जो बॉडी होता है दैट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। मैंने यहाँ पर जो कॉकरोच का डायग्राम थोड़ा रफ डायग्राम यहाँ पर बनाया है उसके अंदर ये तमाम चीज़ें दिखाई दे रही हैं। ये ऊपर के हिस्से में यहाँ पर हेड है, मिडल पार्ट बॉडी का जो होता है उसको कहा जाता है थोरैक्स। जैसे हमारा हेड है उसके बाद थोरैक्स है,
थोरैक्स दैट इज कॉल्ड ए चेस्ट रीजन, सीने का जो हिस्सा यहाँ पर मौजूद होता है, और उसके ऊपर उसके बाद पूरे बॉडी का पार्ट है, पूरे बॉडी का पार्ट जो यहाँ पर मौजूद होता है उसको कहा जाता है एब्डोमेन। तो इस तरीके से यहाँ पर मक्खियों को देखा जाएगा, चींटियों को देखा जाएगा, यही तीन हिस्से यहाँ पर दिखाई देंगे, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। दीज आर कॉल्ड ए थ्री डिफरेंट पार्ट्स विच इज प्रेजेंट इन देयर बॉडी। बॉडी के अंदर यही तीन हिस्से पाए जाते हैं। फिर बॉडी का जो वेंट्रल पार्ट रहेगा, वहाँ से जॉइंटेड लेग्स जो है यहाँ पर निकलते हैं, जोड़दार पैर जो है यहाँ पर पाए जाते हैं, इस तरीके से जॉइंटेड लेग्स वगैरह यहाँ पर जो है मौजूद रहेंगे। तो ये जो है हर अर्थ्रोपोडा के अंदर जो भी एनिमल्स हैं उनके अंदर बॉडी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, हेड, थोरैक्स और एब्डोमिन, ये कहा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इनके अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पर मौजूद है, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होती है, यानी यहाँ पर हम देखेंगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान मौजूद है। हेड रीजन के अंदर यहाँ पर माउथ मौजूद रहेगा, फूड मटेरियल का डाइजेशन होगा, और आखिरी हिस्से में यहाँ पर जो सुराख होते हैं जहाँ से वेस्ट मटेरियल यहाँ पर जो बाहर निकल जाते हैं, यानी यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। इसका मतलब यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जो है टू ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन देयर बॉडी। पहली ओपनिंग माउथ है विच आर यूज फॉर इंजेक्शन ऑफ द फूड मटेरियल, और बाद में यहां पर एक ओपनिंग है वेस्ट मटेरियल दोज आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो ऐसे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको ट्यूब विथ इन ट्यूब प्लान कहेंगे, या डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज कंप्लीट, इस नाम से उसको जो यहां पर पहचाना जा सकता है। फिर उसके बाद यहां पर हम देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, दौरान खून जिसको कहा जाएगा। हमारे जिस्म के अंदर भी यहां पर ब्लड मौजूद है जो सर्कुलेटरी मटेरियल है, जो रगों के जरिए पूरे जिस्म के अंदर खून दौड़ता है। तो हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको कहा जाएगा क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेशन। क्लोज्ड यानी हमारे ब्लड ओपन टू ऑल बॉडी के अंदर नहीं है बल्कि रगों के अंदर बंद है, तो हमारा जो सिस्टम है वो क्लोज्ड सर्कुलेशन है। लेकिन यहां पर ये तमाम आर्थ्रोपोडास के अंदर भी यहां पर जो है ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और वो ब्लड जो इनके अंदर मौजूद होता है उसको कहा जाएगा सर्कुलेटरी सिस्टम इज कॉल्ड एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन। यानी यहां पर हम देखेंगे कि इनके अंदर नो ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, कोई यहां पर ब्लड वेसल्स मौजूद नहीं रहेगी। हमारे बॉडी के जैसा यहां पर कोई खून की रगें यहां पर मौजूद नहीं है बल्कि पूरे बॉडी के अंदर खून एक साथ पहुंचेगा और पूरे बॉडी का ब्लड एक साथ जो हार्ट के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से ड्यू टू एब्सेंस ऑफ ब्लड वेसल्स यहां पर इनको कहा जाता है दैट इज कॉल्ड एज ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेशन को कहेंगे। फिर उसके बाद यहां पर रेस्पिरेशन, ये एक प्राइमरी चीज है जो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए, सर्वाइवल के लिए जरूरी है। रेस्पिरेशन, सांस लेने का अमल, तनफ्फुस का अमल। हमारे बॉडी के अंदर यहां पर हम देखते हैं कि यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो हमारे बॉडी के अंदर है, चेस्ट रीजन के अंदर यहां पर अ पेयर ऑफ लंग्स आर प्रेजेंट, फेफड़ों की एक जोड़ी हमारे बॉडी के अंदर यहां पर मौजूद है। ये जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स यहां पर मौजूद हैं इनके अंदर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पानी के अंदर पाए जाते हैं, तो उनके अंदर गिल्स मौजूद होते हैं। गिल्स का मतलब होता है गलफड़े, जिस तरह मछलियों के अंदर गलफड़े होते हैं वैसे गिल्स पाए जाते हैं। कुछ एनिमल ऐसे हैं जैसे कॉकरोच वगैरह जो खुश्की पर पाए जाते हैं, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है, जमीन के ऊपर पाए जाते हैं, तो इनके अंदर रेस्पिरेशन ट्रकिया के जरिए होता है। ट्रकिया का मतलब है हवा की नाली, हमारे नाक के जो सुराख आगे बढ़ते हैं तो यह गिजा की नाली जो यहाँ पर होती है उसी के साथ में यहाँ पर जो है हवा की नाली पहले, उसके पीछे गिजा की नाली है, तो ये जो गिजा की नाली जो हलक से गुजर रही है उसको भी जो हम लोग जो है ट्रकिया कहते हैं। इसी तरीके से कुछ के अंदर बुक लंग्स और बुक गिल्स पाए जाते हैं, फेफड़ों के जैसे थोड़ा मिनिएचर स्ट्रक्चर मौजूद होता है, गलफड़ों के जैसे थोड़ी बनावट ऐसी दिखाई देती है, जो प्रिमिटिव टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होते हैं जिसको बुक लंग और बुक गिल के नाम से पहचाना जाता है। तो इस तरीके से ये चार चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं जो रेस्पिरेशन के लिए यानी सांस लेने का अमल उसके ज़रिए से यहाँ पर होता है। फिर अगली सिस्टम यहाँ पर जो पाई जाती है एक्सक्रीटरी सिस्टम है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं, यानी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बॉडी से खारिज करना है। तो यहाँ पर जिस तरीके से हम देखते हैं, पिछले पीरियड में भी मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी, हमारे बॉडी के अंदर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है और एक्सक्रीशन का काम किडनी के ज़रिए होता है।
जो ब्लड के अंदर जो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल हैं उसको ये जमा करते हैं और उसके ब्लड को फिल्टर करते हैं और फिर उसको दैट आर एलिमिनेटेड आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर उसको खारिज किया जाता है। तो ये भी जो अपनी गजा इस्तेमाल करते हैं, इनके बॉडी के अंदर भी, इनके ब्लड के अंदर भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल होते हैं और उसको खारिज करने का जो एक सिस्टम यहाँ पर मौजूद है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा जाएगा। और इनके बॉडी के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है उसका नाम है माल्फीजियन टिब्यूल। माल्फीजियन टिब्यूल दे परफॉर्म द किडनी लाइक फंक्शन। जिस तरीके से हमारे बॉडी के अंदर पेयर ऑफ किडनी मौजूद हैं वैसे इनके अंदर भी यहाँ पर जो है लार्ज नंबर ऑफ माल्फीजियन टिब्यूल, बारीक बारीक नली यहाँ पर मौजूद होती है जो बॉडी से नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को जमा करते हैं और जो फोजला निकलते हैं उनके साथ वो नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को भी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी सिस्टम है जो माल्फीजियन टिब्यूल के फॉर्म में मौजूद होता है। अभी और भी पॉइंट है, लार्जेस्ट फाइलम है, लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट हियर। आपको अंदाज़ा लग रहा होगा शुरुआत के जो फाइलम थे वो प्रिमिटिव कैरेक्टर थे, इतनी ज़्यादा सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं थी। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं एनिमल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, कैरेक्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, सिस्टम बढ़ते जा रही हैं, यानी प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल जो थे पॉरीफेरा अमीबा वगैरह वो सिंपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं कॉम्प्लेक्स नेचर बढ़ते जा रहा है, सबसे आखिर में हम देखेंगे मैमिलिया जो किंगडम एनिमेलिया के अंदर हाईली इवॉल्व टाइप ऑफ एनिमल हैं और हम लोगों का शुमार भी उसी के अंदर होता है। ये तमाम सिस्टम तो हमारे बॉडी के अंदर भी हैं लेकिन हमारे बॉडी के अंदर वेल डेवलप्ड सिस्टम यहाँ पर जो है पाई जाएगी। इतना आप स्क्रीन शॉट ले लो, कॉपी के अंदर नोट कर लेना है, फिर हम मिलते हैं उसके बाद।